मिस्टर टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज हम इंसर्ट में टेबल के बाद इलस्ट्रेशंस के बारे में बात करेंगे कि इलस्ट्रेशन क्या होता है। तो इलस्ट्रेशन में पहला जो है वो पिक्चर है। यहाँ से आपको पिक्चर आपने कैसे लेना है, पिक्चर पे क्लिक करके पिक्चर पे यहाँ से क्लिक करके आपको लाइब्रेरी आ जाएगी। पिक्चर लाइब्रेरी वो आपके साथ जितने भी पिक्चर है यहाँ से भी फाइल जिसके नाम पे फाइल हो वो सर्च भी कर सकते हो। ये मैंने क्लिक करके इंसर्ट किया तो यहाँ से यहाँ पे आ गया वो पिक। इस पे एडिटिंग हो सकती है। ये देखिए यहाँ से आप पिक्चर की डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो। देखिए ये फॉर्मेटिंग पिक्चर स्टाइल्स इसको कहते हैं। ये देखिए 3D स्टाइल्स, जिस स्टाइल में आप पिक्चर की यहाँ से आप बॉर्डर को भी चेंज कर सकते हो। ये देखिए ये बॉर्डर चेंज होती जा रही है। ये शेप है, इसका मैंने क्लिक लिया और इस तरह पे आप इससे शेप भी सर्च कर सकते हो। पिक्चर इफेक्ट शेडोज, किस तरह का पिक्चर आप बनाते हो ये देखिए। तो ये पोजीशन हो गया इसमें पिक्चर का। ये है, ये देखिए किस साइड पे पेस्ट के किस साइड पे आप पिक्चर को पेस्ट करना चाहते हो। ये देखिए, ये देखिए इसका ताल्लुक इसी से है, सेंड टू बैक ब्रिंग ऑन फ्रंट टेक्स्ट रैपिंग। तो ये हो गई पिक्चर्स। इसके बाद है क्लिप आर्ट्स। क्लिप आर्ट जिस तरह वो नर्सरी पर के बुक में होता है कार की पिक के साथ कार लिखा गया होता है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। जैसे आप क्लिप आर्ट्स पे सर्च कर क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये आ जाएगी। देखिए मैं एक बार फिर क्लिक करना, क्लिक करने से यहाँ पे वो आ गया। यहाँ पे मैं कार को यहाँ से अब जो भी सर्च कर रहा हूँ, मैं गाड़ी को सर्च करवा रहा हूँ CWATCH। जब आपने सेलेक्ट किया राइट की तो गो के साथ यहाँ पे गाड़ी नहीं है तो मैं कार देता हूँ CAR और गो के साथ। यहाँ पे कार की डिज़ाइन आ गई देखिए। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ CAR। ये देखिए ये हो गया। अच्छा
इसके बाद है शेप्स, ये सारे शेप्स पिक्चर के, जिस पिक्चर वगैरह की जो एडिटिंग होती है, यहाँ से आप शेप भी बना सकते हो स्मार्ट आर्ट के जरिए। आप यहाँ से लिखाई कर सकते हो। ये देखिए पिक्चर के साथ लिखाई, आपके गैलरी के साथ जो पिक्चर होता है गैलरी में, उसके साथ आप यहाँ पे इस पिक्चर के साथ ये लिखाई वगैरह जो भी आप सर जो भी आप करना चाहते हो। इसके बाद है चार्ट, ये चार्ट टेबल होता है। यहाँ पे ये कॉलम्स के जरिए, लाइंस के जरिए, पाई के जरिए, जिस डिज़ाइन में आप इसको, इसका जिस तरह के क्रिकेट वगैरह में जो स्क्रीन पे परसेंटेज आ जाता है, इसके लिए यूज हो जाता है। ये देखिए कलम के जरिए, तो ये ओके करके ये देखिए ये टेबल आ गया। तो टेबल में एडिटिंग भी कर सकते हो। तो इस काम में ये हो गया। तो ये टेबल सीरीज ये वगैरह, तो यहाँ से आप, ये टेबल आ गया, यहाँ से आप एडिटिंग भी कर सकते हो जिस तरह के टेबल आप बनाना चाहते हो। ये देखिए ये बहुत सारे एडिटिंग, देखिए ये एक सिलसिला आ गया। देखिए इसके बाद है हाई लिंक्स वगैरह, तो वो कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।